रांची के बाजारों में इन दिनों हेमंत सोरेन के हमशक्ल के रूप में घूमते हुए एक लड़के का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक हमशक्ल है, जो आपको देखकर लगेगा कि शायद ये हेमंत सोरेन ही आ गए हैं। कुछ उसी तरीके से गमछा, उसी तरीके की दाढ़ी और उसी तरीके के बाल के साथ कुछ वैसा ही चश्मा। बाजारों में घूमते हुए ये शख्स कहते हैं कि जब हम बाजारों में निकल रहे हैं तो मेरी मजबूरी हो जा रही है कि मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है। अगर हम मास्क ना लगाएं तो लोगों की भीड़ हमारे बीच बढ़ने लग जाती है। पहले आम आदमी से ही पूछेंगे, फिर हेमंत सोरेन के पास जाएंगे। चाचा हेमंत सोरेन है, लग रहा है पूरा हेमंत सोरेन के डिटो, हूबहू लग रहा है। हाँ हूबहू हम शक्ल। पहली बार देखे, पहले इनको देखे कभी? नहीं नहीं, इनको देखे बिना दाढ़ी के देखे हैं। अच्छा, अभी दाढ़ी में हेमंत सोरेन की तरह लगते हैं। कभी आप लोग लग तो नहीं जाता है जब हेमंत सोरेन आ गया? हमको तो लगा भी ऐसा ही कि कहीं वही तो नहीं आ गया है। कैसे ये रूप बना है भैया? एक्चुअली क्या है कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम रहे तो उससे पहले से मेरी दाढ़ी थी, और अक्सर मेरी बेटी पूछा करती थी, पापा ये दाढ़ी आप किसी कोई कैरेक्टर या कोई मूवी के लिए रखे हैं? तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे हर बार स्कूल में यही क्वेश्चन किया जाता है कि पापा आप हेमंत सोरेन की तरह दिखते हैं या हेमंत सोरेन जी आपकी तरह दिखते हैं, आप मेरा स्कूल मत जाइएगा। और इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं मेरी बेटी के ऊपर, तो बोले ना बोल देना बेटा मेरा पापा एक एक्टर है, वो किसी भी कैरेक्टर को या दाढ़ी बना के रखे या दाढ़ी हटा के रखे या मूछ रखे, हमेशा से वो मूवी में या फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल में हो या तो फिर एड फिल्मों में हो या नाटक में, अगर आपको मेरा कैरेक्टर जो चाहिए उस तरह से मैं ढल जाता हूँ। अभी हेमंत सोरेन की तरह ढल गए आप? लोगों का दृष्टिकोण है कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ। मैं तो एक पेशेवर कलाकार हूँ, आम आदमी की तरह मुन्ना लोहार हूँ, लेकिन लोगों का सोच है कि आप जहाँ खड़े हो जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शन दिए हैं। मैं जोहार करता हूँ सारे झारखंड वासियों को कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस योजना को लेकर आए हैं, जो 24 साल में नहीं हुआ, वो आज धरातल में उभर कर आ रहा है। मैं उनको आदर्श मानता हूँ, और मेरा वो मोटिवेशन नहीं रहा कि भाई आज हमारे बीच हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे हैं या हैं, उसकी वजह से मैं दाढ़ी रखा हूँ, इस तरह का कोई बात नहीं है। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल दाढ़ी है, लोगों का दृष्टिकोण कि मैं हेमंत सोरेन की तरह दिखता हूँ, तो उनकी सोच है। कल ही गया था मैं खुट्टी में, एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जो कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छता अभियान और एक पेड़ माँ के नाम, इस पे जागरूकता अभियान चल रहा है, उसमें मैं एक एम्पैनल आर्टिस्ट के रूप में मैंने वहाँ पे संदेश देने गया था। तो वहाँ पे लोगों का कहना कि वहाँ ज्यादातर महिला लोग, खासकर जब हम वहाँ पे गए उस गांव पे काला माटी में, तो वहाँ की महिला लोग अचानक से एक भीड़ लग गई, बोले कि नहीं अरे हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, हेमंत सोरेन जी आ गए हैं। तो मतलब नहीं, मैं आप ही की तरह आम आदमी हूँ, मैं आपका भाई हूँ मुन्ना लोहार, मैं आपका भाई हूँ, लेकिन दादा ऐसा लगा ना, भले वो आज हमारे गांव नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके एक मतलब एक हम सकल के रूप में आप यहाँ आ गए, तो हमें लगा कि मुख्यमंत्री आज हमारे गाँव पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आज हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जितनी योजना लागू कर रहे हैं, तो मेरे जैसा तमाम जितने भी कलाकार हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम ने उन्होंने इतने सारे योगदान दिए, उनके लिए भी कोई योजना इस तरह से योजना लाए कि कलाकारों को थोड़ा सा आर्थिक रूप से उनको सपोर्ट हो। चूंकि आज जितने भी कलाकार झारखंड के तमाम जितने भी जो यहाँ की जो संस्कृति है, जिनको वो अपने बांसुरी के माध्यम से या ढोल के माध्यम से या गीत के माध्यम से या नाटक के माध्यम से या तमाम जितने भी विधाएं कला के, उस माध्यम से उस संस्कृति को विलुप्त होने से बचा रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष
उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनके लिए एक बढ़िया योजना लाए ताकि उनको एक सपोर्ट मिल जाए कि आज हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है जो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किए, जो इतिहास बनकर रह जाए। हेमंत सोरेन को पता चला कि आप हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हैं? अभी तक तो मुझे पता नहीं चला है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें पता चल गया है, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला है। और मैं चाहता भी हूँ कि वो मुझे अपने पास एक बार हम उनसे बातचीत करें। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि उनकी जितने भी रैलियां हुई मैंने आज तक उनके रैलियां में हमेशा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि और उनकी जो सरकार थी पिछले बार भी अभी भी और मतलब जब 2014 उस समय उनका एक बहुत बड़ा महारैली निकला था, चाहे वो बुंडू क्षेत्र हर क्षेत्र में आप रहे। बिल्कुल, आप देखिए कि आम शख्स के तरह हेमंत सोरेन हैं और आम शख्स ही हैं, इस वजह से इन्होंने कहा कि 1 तारीख को मेरी दाढ़ी खत्म हो जाएगी क्योंकि 1 तारीख को मुझे किसी और रोल में जाना है, गोरखपुर में कार्यक्रम होना है, वहाँ कार्यक्रम करेंगे, और इसी वजह से इन्होंने कहा कि सिर्फ 1 तारीख तक ही हम इस क्षेत्र में हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि हम हेमंत सोरेन की तरह नहीं दिख रहे हैं, बल्कि लोगों की ये अवधारणा है, लोग उस तरीके से इन्हें देख रहे हैं और यही इनकी मजबूरी है कि इन्हें मास्क लगाकर शहरों में घूमना पड़ रहा है या फिर हेलमेट लगाकर बाजारों में खरीदारी करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर भविष्य में मुझे मौका मिला, अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर आते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर उनकी जीवनी पे या कोई बायोपिक मूवी बनाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस कैरेक्टर को मैं करूँ। हेमंत सोरेन का रोल आप करना चाहते? जी बिल्कुल, ये एक आम कलाकार की इच्छा है। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री महोदय, जब आप मुख्यमंत्री हैं तो कलाकारों के लिए कोई योजना ला दिया जाए जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम का है किया है, चाहे वो बांसुरी वादक के रूप में हो, चाहे मृदंग बजाने के रूप में, हारमोनियम प्लेयर के रूप में हो, जिन्होंने भी राज्य का नाम रोशन किया उनके लिए कोई योजना लाए। इसके साथ साथ अगर कोई भी डायरेक्टर हेमंत सोरेन के ऊपर बायोपिक बनाना चाहता है तो उसमें हेमंत सोरेन के रोल में मुन्ना लोहार भी सामने आना चाहते हैं और इनकी इच्छा है कि उस फिल्म में, उस बायोपिक में ये रोल करें। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची।